एवरीवन वेलकम टू अर यूट्यूब चैनल ऑडियोर्स रिंग कारनेशन ऑफ बिजनेस चैप्टर ९२१ सौ ९३० वह एक पुलिसकर्मी थी जिसकी उम्र लगभग सत्ताईस वर्ष थी और वह निर्दयी लग रही थी जब पुलिसकर्मी ने काव्या की असामान्य सुंदरता और उसके बगल में एक सुंदर आदमी को देखा तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक झलक उठी यह सुनकर की यह एक हत्या थी राहगीरों ने तुरंत उन्हें घेर लिया और काव्या की ओर घूर कर देखा उनका मानना था कि पुलिसकर्मी ने जो कहा था उसके कारण काव्या हत्यारी थी पुलिसकर्मी झाऊ नाराज थे पुलिसकर्मी झांग हमने अभी तक पूरी जांच नहीं की है जल्दबाजी में निष्कर्ष पर न पहुंचे ऐसा लग रहा था जैसे पुलिसकर्मी झाओ एक ईमानदार आदमी था पुलिसकर्मी झाऊ यह अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता कि उन्होंने मिस जिन को मार डाला यदि आप इस मामले को जल्द से जल्द बंद नहीं करते हैं तो यह हमारे लिए और अधिक परेशानी का कारण बनेगा पुलिसकर्मी झांग ने सहजता से कहा उसे इसकी परवाह नहीं थी कि काव्या निर्दोष थी या नहीं वह बस इतना चाहती थी कि यह मामला जल्द से जल्द निपट जाए उसमें न्याय की कोई भावना नहीं थी निगरानी कैमरों से किसी को भी उसकी धारणा पर संदेह नहीं होगा जहां तक प्रेरणा की बात है जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उसके लिए ऐसा करना आसान था जब पुलिसकर्मी झांग ने ऐसा कहा तो काव्या और अन्य लोग क्रोधित हो गए लेंग शाउटिंग अपना बचाव करना चाहते थे लेकिन काव्या ने उन्हें रोक दिया और बाहर खड़ी हो गई ठीक है काव्या ने व्यंग्य किया क्या आपका मतलब यह है कि इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है और क्या आप सीधे घोषणा करना चाहते हैं कि हम दोषी हैं मिस कृपया हमें गलत न समझें इससे पहले कि पुलिसकर्मी झांग कुछ कह पाती पुलिसकर्मी झाओ ने उन्हें टोक दिया वह पुलिसकर्मी झांग को पुलिस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने देने के लिए तैयार नहीं था हालांकि काव्या ने पीछे हटने से इनकार कर दिया क्या आप गलत नहीं समझते पुलिसकर्मी झाओ हम बेवकूफ नहीं हैं और पुलिसकर्मी झांग को अच्छी तरह से समझने में सक्षम है वह बस मृत लड़की की पहचान के कारण इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है आप असली हत्यारे की खोज में कुछ समय क्यों नहीं लगाते क्या आप एक लोक सेवक नहीं है झांग आप? झांग घबरा गई और शर्मिंदा महसूस करने लगी काव्या की दलील सुनकर कई दर्शक भी पागल हो गए वे ऐसा कैसे कर सकते हैं उन्हें पहले जांच करनी होगी वे लोक सेवक है और उन्हें जनता की सेवा करनी चाहिए मुझे नहीं लगता कि भविष्य में जब मुझे मदद की जरूरत होगी तो मुझमें पुलिस को बुलाने का साहस होगा उनकी आलोचनाओं का सामना करते हुए पुलिसकर्मी झांग गुस्से में थी पुलिसकर्मी झाऊ नहीं चाहता था कि किसी भी नागरिक पर पुलिस के प्रति गलत धारणा बने लेकिन स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी दरअसल उन्हें यह भी उम्मीद थी कि पुलिसकर्मी झांग इससे सबक ले सकेंगी वह उसे कभी पसंद नहीं करता था क्योंकि वह हमेशा अन्य सहकर्मियों से चर्चा किए बिना निर्णय लेती थी उसका मानना था कि वह वह सब कुछ कर सकती है जो वह चाहती थी सिर्फ इसलिए कि वह सार्जेंट की भतीजी थी पुलिसकर्मी झांग ने तर्क दिया क्या आपके पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत है कि आप दोषी नहीं है क्या कोई गवाह है यह सुनकर काव्या के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई क्या सबूत इकट्ठा करना आपका कर्तव्य नहीं है चूंकि आपने निगरानी कैमरों की जांच की है और कहा है कि केवल हम ही वहां थे तो मैं गवाह के रूप में किसी और को कैसे ढूंढ सकता हूं तुमने हमें मारते हुए बिल्कुल नहीं देखा आप कैसे जान सकते हैं कि हम इसके दोषी हैं आपने कोई जांच ही नहीं की है इसलिए आप हमें दोषी घोषित नहीं कर सकते काव्या थोड़ी आक्रामक दिखी पुलिस ने वास्तव में अभी तक कोई जांच नहीं की थी जिस व्यक्ति को मृत लड़की मिली उसका संबंध थाने से था इसलिए किसी को नहीं लगा कि वह दोषी है इसलिए काव्या और लेंग शाउटिंग जो अंत अपराध स्थल पर दिखाई दिए पुलिसकर्मी झांग की नजर में हत्यारे बन गए केवल पुलिसकर्मी झांग ने उन्हें दोषी होने का दावा किया जबकि अन्य लोग सिर्फ यही चाहते थे कि काव्या और लेंग शाउटिंग जांच में उनकी सहायता करें काव्या ने कहा हम वहाँ गए थे इसलिए यह समझ में आता है कि आपको हम पर संदेह है हम जांच में आपकी सहायता करने को तैयार हैं, लेकिन अंतिम परिणाम आने से पहले यह घोषणा न करें कि हम दोषी हैं। हम आम नागरिक हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए आप पर मुकदमा करने का अधिकार नहीं है आप पुलिसकर्मी झांग को नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है पुलिसकर्मी झांग मैं इस मामले के लिए जिम्मेदार हूँ यदि आप इसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं तो कृपया सार्जेंट को इसकी सूचना दे और मुझे इससे दूर कर दे पुलिसकर्मी झाओ ने इस समय उन्हें फिर से रोका पुलिसकर्मी झांग के पास ज्यादा कौशल नहीं थे लेकिन उन्हें ध्यान में रखा जाना पसंद था अब वह जो कर रही थी वह बेकार था आप पुलिसकर्मी झांग नाराज थी लेकिन उसने दूसरा शब्द कहने की हिम्मत नहीं की हालांकि वह बहुत घमंडी थी क्योंकि उसके चाचा हवलदार थे वह अपने चाचा से डरती भी थी मिस और यह सज्जन कृपया बुरा न माने जो पुलिसकर्मी झांग ने अभी कहा हमें अब भी उम्मीद है कि आप जांच में हमारी सहायता कर सकते हैं पुलिसकर्मी झाओ ने काव्या और लेंग शाउटिंग से विनम्रता से कहा क्यूँकी आपको हम पर संदेह है हम जांच में आपकी सहायता कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है हम आज सुबह आठ बजकर पचास मिनट बजे सिटी बी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं यदि जांच के कारण हमारी उड़ान छूट जाती है तो कृपया हमें मुआवजा दे काव्या ने कहा उसने जानबूझकर उन्हें डराने के लिए ऐसा कहा क्योंकि उसे इस्तेमाल किए जाने से नफरत थी यह सुनकर पुलिसकर्मी झाओ और अन्य लोग झिझके मुआवजा देना उनके ऊपर निर्भर नहीं था पुलिसकर्मी झाओ ने सख्त लहजे में कहा मिस हम भी जांच के कारण कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते लेकिन आप इस मामले में शामिल हैं इसलिए हमारी सहायता करना आपका कर्तव्य है लेंग शूटिंग ने इस समय चुप रहना बंद कर दिया उसने अपना सैन्य अधिकारी प्रमाण पत्र निकाला और पुलिसकर्मी झाओ को दिखाया अगर आपको अभी भी हम पर संदेह है तो आपको मेरी जांच करने से पहले हमारे देश की सेना से अनुमति लेनी होगी शाउटिंग का सैन्य अधिकारी प्रमाण पत्र देखने के बाद पुलिसकर्मी झाओ और अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य से घूम गई करने का कोई अधिकार नहीं था ऐसा कैसे हो सकता है आप मेजर जनरल ये बहुत छोटे हैं पुलिसकर्मी झांग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्या एक मेजर? देखने वाले भी हैरान रह गए आम लोगों की नज़र में एक मेजर जनरल लगभग चालीस वर्ष का व्यक्ति होता था हालांकि लेंग शाउटिंग बीस वर्ष के थे यदि वह एक प्रमुख सेनापति था तो उसने पहले भी कई महान उपलब्धियां हासिल की होंगी उस स्थिति में दूसरों के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि वह किसी लड़की की हत्या कर देगा उनकी नजर में सभी सैनिक ईमानदार वफादार लोग थे लेंग शाउटिंग ने अपना फोन निकाला और बिना देर किए कॉल किया पुलिसकर्मी झाओ ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह जानता था कि लेंग शाउटिंग क्या करने वाला है उन्हें यह भी यकीन था कि लेंग शाउटिंग वास्तव में एक प्रमुख जनरल थे लेंग शाउटिंग ने फोन पर लोगों को संक्षेप में बताया कि फोन काटने से पहले वह गोंगहांव होटल के बाहर क्या कर रहे थे दो मिनट के भीतर पुलिसकर्मी झाओ का फोन बजा और फोन करने वाला सार्जेंट था सार्जेंट ने उन्हें लेंग शाउटिंग को तुरंत जाने देने का आदेश दिया पुलिसकर्मी झाओ ने बड़े सम्मान के साथ लेंग शाउटिंग से माफी मांगी मुझे बहुत खेद है मेजर जनरल कृपया बेझिझक चले जाएं। यह सुनकर अन्य सभी को विश्वास हो गया कि उनके सामने यह युवक वास्तव में सेना का एक प्रमुख सेनापति था पुलिसकर्मी झांग ने अब एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की लेकिन उसने अभी भी यह मानने से इनकार कर दिया कि लेंग शाउटिंग इतनी कम उम्र में ही एक प्रमुख जनरल बन गए थे लेंग शूटिंग ने वहां समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई और जल्द ही काव्या के साथ वहां से चला गया हत्यारा दुष्ट प्रथा में शामिल हो सकता है इसलिए काव्या ने पुलिस को कोई सुराग नहीं दिया वह जानती थी कि पुलिस दुष्ट प्रथा का मुकाबला नहीं कर सकती सौभाग्य से काव्या और अन्य लोगों के पास हवाई अड्डे तक जाने के लिए अभी भी पर्याप्त समय था लगभग दो घंटे बाद वे सिटी बी पहुंचे काव्या ने अपनी कार एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी कर दी थी ताकि वापस आने पर वे इसे घर ले जा सकें जब वे पहले विमान में थे तो कई परिचारिकाओं ने लेंग शाउटिंग के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की लेकिन लेंग शाउटिंग ने केवल काव्या पर ध्यान दिया इसलिए अंत में उन्होंने हार मान ली जब वे सिटी बी वापस आए तो दोपहर के भोजन का समय हो गया था इसलिए वे बाद में हुआडेंग होटल गए क्वांगडेंग होटल के बाहर कई मनोरंजन पत्रकार एक साथ जमा थे और बीच में दो लोग घिरे हुए थे दो लोगों में से एक लगभग तीस साल की महिला थी जबकि दूसरे ने अपना चेहरा ढकने के लिए बेसबॉल टोपी और बड़े धूप का चश्मा पहन रखा था वह एक सेलिब्रिटी होनी चाहिए मिस टैंग ऐसा कहा जाता है कि पैलेस में मुख्य अभिनेत्री कोई और होनी चाहिए लेकिन आपने अचानक उसकी जगह ले ली क्या यह लॉर्ड सेन के साथ आपके विशेष संबंध के कारण है मिस टैंग क्या आप जानती हैं कि लॉर्ड सेन पहले से ही शादीशुदा है मिस टैंग उन मनोरंजन पत्रकारों को महिला को मिस टैंग कहते हुए सुनकर काव्या को लगा कि वे उसे बुला रहे हैं लेकिन यह कोई और निकला मिस टैंग वह अभिनेत्री थी जिन्होंने बेसबॉल टोपी और धूप का चश्मा पहना हुआ था काव्या को उनके सवालों पर संदेह था क्योंकि मनोरंजन पत्रकारों को बड़े घोटाले और फर्जी खबरें बनाना पसंद था वैसे भी मनोरंजन उद्योग वैनिटी फेयर था और यह सच था कि कई अभिनेत्रियां अपनी इच्छित भूमिका के लिए सेक्स का आदान प्रदान करती थी यह बताना मुश्किल था कि कौन सी अभिनेत्री निर्दोष थी कृपया वे प्रश्न पूछना बंद करें जियाक्सियाओं और लॉर्ड सेन के बीच कोई विशेष या असामान्य संबंध नहीं है यह हास्यास्पद है कि शियाओक्सियाओ एक आदमी के परिवार को नष्ट कर देगी तांग जियाओक्सियाओ के एजेंट ने बार बार ऐसा कहा हालांकि वह अब गुस्से में थी किसी ने कहा इंटरनेट पर मिस टैंग और लॉर्ड सेन की एक रेस्तरा में अकेले भोजन करते हुए तस्वीरें हैं वे अकेले भोजन नहीं कर रहे थे मैं भी वहां था हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे मैं महिलाओं के कमरे के लिए निकल गया इसलिए मैं उन तस्वीरों से अनुपस्थित हूँ टैंग जियाओक्सियाओ के एजेंट ने समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया दरअसल अगर वे सच्चाई का पता लगाना चाहते तो वे रेस्तरा के निगरानी कैमरों की जांच कर सकते थे हालांकि यह स्पष्ट था कि उनमें से किसी भी पत्रकार को सच्चाई की परवाह नहीं थी वे केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए एक रोमांचक समाचार चाहते थे यदि नहीं तो पैलेस की प्रमुख अभिनेत्री को अचानक क्यों बदल दिया गया एक रिपोर्टर ने पूछा एक अन्य रिपोर्टर ने कहा ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड सेन ने तांग शियाओक्सियाओ को कास्ट करने की मांग की थी हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पैलेस में मुख्य अभिनेत्री पहले ही स्थापित हो चुकी थी जियाओक्सियाओं सिर्फ ऑडिशन में शामिल होने गई थी और उसे इसके माध्यम से भूमिका मिल गई तांग जियाक्सियाओं के एजेंट ने समझाया हालांकि वह धैर्य खो रही थी फिर भी उसे सावधान रहना पड़ा ठीक उसी समय जब वे पत्रकार और प्रश्न पूछने ही वाले थे तभी एक दुर्घटना घटी भाड़ में जाओ आप मालकिन अचानक एक क्रोधित महिला की आवाज सुनाई दी और तांग श्याओक्सियाओं पर तरल की एक बोतल फेंकी गई काव्या ने जैसे ही तरल पदार्थ देखा तो आश्चर्यचकित रह गई क्योंकि वह सल्फ्यूरिक एसिड था हालांकि वह मालकिनों से भी नफरत करती थी लेकिन उसने नहीं सोचा था कि सच्चाई सामने आने से पहले तांग श्याओक्सियाओं को दंडित किया जाना चाहिए मनोरंजन उद्योग में सच्ची और झूठी खबरें एक साथ मिल गई इसलिए काव्या तुरंत आगे बढ़ी लेकिन तांग तांगजियाओक्सियाओं पत्रकारों से घिरी हुई थी इसलिए उसे एक कदम बहुत देर हो गई इससे पहले कि हर कोई समझ पाता कि क्या हुआ था तांग श्याओक्सियाओं दर्द से चिल्लाने लगा जियाओक्सियाओ के शरीर से सफ़ेद धुआं उठ रहा था और उसके कपड़े पहले से ही ऐसे से खराब हो चुके थे उसकी क्षतिग्रस्त त्वचा के कुछ हिस्से उजागर हो गए सभी लोग चौंक गए और डर के मारे पीछे की ओर चले गए लेकिन उन्होंने उसी समय अपने कैमरे जियाओक्सियाओ की ओर कर दिए वे मनोरंजन पत्रकारों का एक समूह थे जो मशहूर हस्तियों के दर्द पर भरोसा करते थे उनके व्यवहार से काव्या नाराज़ हो गई जियाओक्सियाओ तांग जियाओक्सियाओ के एजेंट ने तुरंत उसका समर्थन किया हालांकि जैसे ही उसका हाथ गलती से तांग जियाओक्सियाओ के शरीर पर लगे सल्फ्यूरिक एसिड को छू गया वह जल गई और उसका हाथ ढीला हो गया एक बार जब उसने अपना हाथ ढीला कर लिया तांग जियाओक्सियाओ ने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर गिर गई इसी समय काव्या उसके पास पहुंची जब काव्या दौड़कर आई तो उसने तांग जियाओक्सियाओ के मुंह में एक पावर क्रिस्टल टांग जियाओक्सियाओ का एजेंट अवचेतन रूप से काव्या को ऐसा करने से रोकना चाहता था लेकिन उसने सोचा कि काव्या सार्वजनिक स्थान पर तांग जियाओक्सियाओ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वह एक तरफ खड़ी हो गई उसके बाद काव्या ने पावर क्रिस्टल पानी की एक बोतल निकाली उसकी चोटों पर इसे लगाने में मदद करे उसने एजेंट से कहा एजेंट के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था और उसने बिना देर किए तांग जियाओक्सियाओ के शरीर पर लगी चोटों पर पानी लगा दिया कांगज्याओं के शरीर पर जला हुआ क्षेत्र अपेक्षाकृत बड़ा था लेकिन वह अभी अपने कपड़े नहीं उतार सकती थी इसलिए उसका एजेंट उसकी सभी चोटों पर दवा लगाने में सक्षम नहीं था सौभाग्य से काव्या ने पहले ही उसे एक पावर क्रिस्टल मदद कर दी थी और दर्द से राहत के लिए उसके शरीर में कुछ जादुई शक्ति डाल दी थी बचा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था क्याओ हाँ उस औरत को पकड़ो काव्या ने क्याओं या से कहा और क्याओ हा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस महिला को पकड़ लिया जिसने तांगशियाओं पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला था इसके बाद काव्या जियाओक्सियाओ को अपनी बाहों में उठाकर होटल में चली गई उसे एक कमरे में अपनी चोटों पर दवा लगानी पड़ी वे सभी पत्रकार काव्या की शारीरिक शक्ति से आश्चर्यचकित थे जब वे काव्या से सवाल पूछने की कोशिश में थोड़ा आगे बढ़े तो लेंग शाउटिंग और गांव ही उनके रास्ते में खड़े हो गए लेंग शाउटिंग और गांव ये दोनों लंबे और मजबूत थे इसलिए किसी ने भी दोबारा एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की टैंक जियाओक्सियाओ के एजेंट ने तुरंत काव्या का पीछा किया मिस जियाओक्सियाओ को अभी अस्पताल जाना होगा काव्या ने उससे कहा अपनी हथेली देखो चिंता मत करो मैं उसकी चोटें ठीक कर सकता हूं एजेंट ने अगले ही पल उसकी हथेली को देखा और वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसकी हथेली वापस सामान्य हो गई थी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था हालांकि उसने इस महत्वपूर्ण क्षण में काव्या पर भरोसा करना चुना फिर भी उसके मन में कई सवाल थे लेडी लेडीनिंग मुझे यह करने दो गांव ही काव्या के सामने चला और जियाओक्सियाओ को ले जाने के लिए अपनी बाहें फैला दी काव्या के अंगरक्षक के रूप में उसे ऐसा करना चाहिए धन्यवाद काव्या ने मना नहीं किया लेंग शाउटिंग ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह किसी अजनबी महिला को छूने को तैयार नहीं था जबकि यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं था शुरुआत में रिसेप्शनिस्ट काव्या को तांग श्याओक्सियाओं के साथ चेक इन करने देने के लिए अनिच्छुक थी क्योंकि उसे डर था कि होटल को दुर्घटना की जिम्मेदारी लेनी होगी लेकिन लेंग शाउटिंग ने उसे काव्या का ब्लैक कार्ड दिखाया इसलिए उसने तुरंत उनका स्वागत किया तांग जियाक्स्याओं ने होटल में एक कमरा बुक किया था इसलिए एजेंट ने उन्हें सीधे उसके कमरे में ले जाया तांगज ज्याओक्स्याओ एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी इसलिए वह प्रेसिडेंशियल स्विट रुकी स्विट में प्रवेश करने के बाद लेंग शाउटिंग और गाँव ये लिविंग रूम इंतजार कर रहे थे जबकि अन्य लोग बेडरूम में चले गए जब वे शयन कक्ष में थे तो उन्होंने तांजियाओंक्सियाओं को उसके कपड़े उतारने में मदद की तान जियाओक्सियाओ अब तक शांत नहीं हुआ हालांकि जियाओक्सियाओ ने पहले ही पावर क्रिस्टल था और काव्या की कुछ जादुई शक्ति प्राप्त कर ली थी आखिरकार वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी इसलिए उसे ठीक होने में समय लगा जियाओक्सियाओ के एजेंट की हथेली अब पहले से ही ठीक थी हालांकि अभी भी डर था शांत होने के बाद जब तान जियाओक्सियाओ ने काव्या का चेहरा देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई मिस काव्या काव्या एक पल के लिए अवाक रह गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तांग जियाओक्सियाओ उसे जानता होगा हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि तांग जियाओक्सियाओ ने पहले भी इंटरनेट पर उसके बारे में खबरें पढ़ी होंगी जी हां मैं काव्या उसकी ओर देखकर मुस्कुराई टैंग जियाओक्सियाओ के एजेंट को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ जब टैंग जियाओक्सियाओ ने काव्या को पहचान लिया मिस काव्या मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तांग जियाओक्सियाओ ने काव्या को ईमानदारी से धन्यवाद दिया एक प्रसिद्ध एलिस्ट अभिनेत्री के रूप में तांग श्याओक्स्याओं का नाम अक्सर विबो पर सबसे गर्म विषयों की सूची में आता था उसने उसके बारे में खबरों पर बहुत ध्यान दिया और इसलिए उसे काव्या के बारे में भी बहुत कुछ पता चला उन्होंने इतनी कम उम्र में अविश्वसनीय उपलब्धियों के लिए काव्या की प्रशंसा की मनोरंजन उद्योग के अधिकांश लोगों को पता था कि काव्या ने क्या किया है जिसमें तांग डियाक्स्याओं का एजेंट भी शामिल है लेकिन वह काव्या के चेहरे को याद करने में बहुत व्यस्त थी इसीलिए वह शुरू में काव्या को पहचानने में असफल रही यह कोई बड़ी बात नहीं है काव्या ने कहा मिस काव्या आपने सुना होगा कि उन्होंने अभी मुझसे क्या कहा है ना तान जियाक्स्याओं ने पूछा हाँ काव्या ने सिर हिलाया लेकिन आगे कुछ नहीं कहा मनोरंजन उद्योग में गपशप सुनना असामान्य नहीं था और तान श्याक्सियाओं को पहले से ही इसकी आदत थी उसे ध्यान की जरूरत थी और कंपनी को ध्यान आकर्षित करके पैसा कमाने की जरूरत थी इसलिए उसने इस अंत नियम को स्वीकार कर लिया हालांकि इस बार अलग था उसके और लॉर्ड सेन के बारे में गपशप उस कंपनी द्वारा आयोजित नहीं की गई थी जिसके लिए वह काम करती थी और लॉर्ड सेन एक विवाहित व्यक्ति था जिसने तांग श्याओक्सियाओं की प्रतिष्ठा को लगभग बर्बाद कर दिया था वह जानती थी कि काव्या कोई साधारण लड़की नहीं है इसलिए उसे उम्मीद थी कि काव्या उसकी मदद कर सकती है मिस काव्या तांग जियाक्सियाओं को बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ा लेकिन उसका एजेंट जो अभी भी उसकी चोटों पर दवा लगा रहा था डरा हुआ था लेट जाए यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसके एजेंट ने उत्सुकता से कहा बस बिस्तर पर लेटे हुए मुझसे बात करो काव्या ने टांग जियाक्सियाओं को भी उठने से रोक दिया वह जानती थी कि टांग जियाक्सियाओं उसे गपशप के बारे में कुछ बताने जा रहा था वो सही थी मिस काव्या यह एक योजना है और मैं लॉर्ड सेन के परिवार की दूसरी महिला नहीं हूं हमने व्यापार के बारे में बात करने के लिए एक साथ भोजन किया लेकिन यह एक योजना बन गई मिस काव्या आप अपनी उत्कृष्ट क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं क्या आप कृपया इस बार मेरी मदद कर सकते हैं जब तक यह मेरी क्षमता में है मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ ने मजबूत भावनाओं के साथ कहा काव्या को यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि गपशप एक योजना थी क्योंकि मनोरंजन उद्योग में योजनाएं राजनीति से कम नहीं थी आजकल एक अच्छे अभिनेता के लिए शक्तिशाली समर्थन के बिना प्रसिद्ध होना कठिन था यदि किसी अभिनेता के पास शक्तिशाली समर्थन नहीं है तो वह केवल अपनी प्रतिभा और कौशल पर भरोसा कर सकता है काव्या की नजर में तांग श्याओक्स्याओं एक उत्कृष्ट अभिनेत्री थी जो अभिनय गायन और नृत्य में अच्छी थी हालांकि तांग जियाओक्सियाओ ने अभी तक कोई सर्वोच्च प्रशंसा नहीं जीती थी लेकिन यह बहुत सामान्य था क्योंकि वह कुछ समय पहले ही लोकप्रिय हुई थी इसके अलावा उन लोगों को भी कई प्रशंसाएं दी गई जिनके पास अपशक्तिशाली समर्थन था काव्या को टाइंग जियाओक्सियाओ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी जब वह इंटरनेट पर अभिनेताओं के बारे में जानकारी पढ़ रही थी तो उसे अपना नाम और चेहरा याद आ गया हालांकि तांग श्याओक्सियाओं के बारे में बहुत सारी गपशप थी लेकिन उसने कुछ भी अनैतिक काम नहीं किया था इसलिए अगर काव्या एक ईमानदार व्यक्ति होती तो वह उस पर हस्ताक्षर करने को तैयार थी तांग जियाक्सियाओं पहले से ही एक लोकप्रिय अभिनेत्री थी जब तक वह इस कांड को अच्छी तरह से संभाल सकती थी इस बात की बहुत संभावना थी कि वह और अधिक प्रसिद्ध हो जाएगी हालांकि अगर वह इस संकट से उबरने में विफल रही तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा चूंकि उसने मदद के लिए काव्या की ओर रुख किया काव्या निश्चित रूप से समस्या का समाधान करेगी क्या आप जानते हैं कि आपको किसने खड़ा किया काव्या ने पूछा मुझे पता है उसका नाम फैन सिक्स है तांग शियाओं ने दुखी होते हुए कहा टांग जियाक्सियाओं और फैन सिक्सुआन विश्वविद्यालय में सहपाठी और रूममेट थे वे बहुत करीब हुआ करते थे और स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद एक साथ कमरे भी किराए पर लेते थे हालांकि तांग शियाक्सियाओं फैन सिक्सुन की तुलना में अधिक भाग्यशाली था और ऑडिशन के बाद उसे कई भूमिकाएं मिली जबकि फैन सिक्सवान केवल एक अतिरिक्त भूमिका निभा सका वास्तव में तांग तांगजियाओं फैन सिक्सवान की तुलना में एक बेहतर अभिनेत्री थी जैसे जैसे समय बीतता गया फैन सिक्सवान को तांग शियाक्सियाओं से ईर्ष्या होने लगी उन्होंने एक दिन अपने रिश्ते को तोड़ दिया क्योंकि फ़ैन सिक्सवान के पास पैसे की कमी होने पर तांग तांगशियाउक्सियाओं ने अपनी पहल पर फैन सिक्सवान को पैसे उधार देने की पेशकश की लेकिन फैन सिक्सवान ने सोचा कि तांग शियाक्सियाओं उसे पैसे से अपमानित करने की कोशिश कर रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तांग जियाओक्सियाओ ने इसे कैसे समझाया फैन सिक्सवान ने नहीं सुनी और वह जल्द ही बाहर चली गई बाद में उन्होंने शायद ही कभी एक दूसरे से संपर्क किया तांग जियाओक्सियाओ ने भी फैन सिक्सवान को देखा और धीरे धीरे उसे भूल गया एक साल पहले वे दोबारा एक दूसरे से मिले इन दोनों को एक ही टीवी शो में कास्ट किया गया था तांग जियाओक्सियाओ प्रमुख अभिनेत्री थी जबकि फैन सिक्सवान ने सहायक भूमिका निभाई थी शायद इसलिए कि फैन सिक्सवान तांग शियाओक्सियाओं से ईर्षा करती थी उसने दुष्ट महिला की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई उस मामले में फैन सिक्सवान को बहुत अधिक ध्यान और आलोचना मिली उसके बाद फैन सिक्सवान को टीवी शो में अपना चेहरा दिखाने के अधिक मौके मिले अब फैन सिक्सवान एक बीसूची अभिनेत्री थी नए टीवी शो पैलेस में सेन परिवार द्वारा निवेश किया गया था और तांग शियाओक्सियाओं को ऑडिशन के लिए निमंत्रण मिला उन्होंने इसे पास कर लिया और अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर दिए शो के बारे में बात करने के लिए लॉर्ड सेन ने बाद में उनके साथ भोजन किया लेकिन घोटाला सामने आ गया एक बार जब यह घोटाला वायरल हो गया तो तांग जियाओक्सियाओ ने जिस कंपनी के लिए काम किया उसने समस्या को हल करने में उसकी मदद नहीं की बल्कि उसके साथ अनुबंध समाप्त करना चाहा। यह स्पष्ट था कि जिस कंपनी के लिए वह काम करती थी वह भी भारी दबाव में थी फैन सिक्सुआन ने कल तांग शियाओक्सियाओ को फ़ोन किया और उसे बताया कि यह उसकी योजना थी फ़ैन सिक्सुम का लक्ष्य तांग जियाओक्सियाओ को बर्बाद करना था लॉर्ड सेन फैन सिक्सवान के शुगर डैडी थे इसलिए उन्होंने तांग श्याओक्स्याओं को फंसाने में उसकी मदद की तांग श्याओक्स्याओं के भी कई संबंध थे लेकिन लॉर्ड सेन ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके साथ खिलवाड़ करने की उन्होंने हिम्मत की सेन परिवार आखिरकार सिटी बी में एक अति अमीर परिवार था और बहुत से लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे काव्या से मिलने से पहले तांग जियाओक्स्याओं असहाय महसूस करती थी लेकिन अब उसे उम्मीद थी कि काव्या उसकी मदद कर सकती है काव्या के उससे कहीं अधिक शक्तिशाली संबंध थे अगर काव्या उसकी मदद करने को तैयार होती तो यह बहुत आसान होता टैंगजियाओं के एजेंट को यह समझ में नहीं आया कि शुरुआत में टैंगजियाओंसियाओं ने मदद के लिए एक युवा लड़की की ओर रुख क्यों किया लेकिन टैंग जियाओंक्सियाओं ने कहा कि काव्या बिल्कुल भी सामान्य लड़की नहीं थी इसलिए उनका मानना था कि काव्या का जन्म एक प्रभावशाली परिवार में हुआ होगा हालांकि कुछ देर तक काव्या को देखने के बाद उसे लगने लगा कि काव्या बहुत परिचित है फिर उसने काव्या को पहचान लिया काव्या इंटरनेट पर लोकप्रिय देवी गु थी टैन जियाओक्सियाओ के एजेंट वास्तविक जीवन में काव्या को देखकर उत्साहित हो गए मिस काव्या कृपया इस बार हमारी मदद करें जब तक आप जियाओक्सियाओ की मदद कर सकते हैं मनोरंजन उद्योग में उसकी स्थिति को देखते हुए यदि आप उसे साइन करते हैं तो वह आपको निराश नहीं करेगी टैन जियाओक्सियाओ के एजेंट ने काव्या से विनती की टैन जियाओक्सियाओ आखिरकार एक एलिस्ट अभिनेत्री थी इसलिए काव्या की नजर में यह एक लाभदायक सौदा था इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई क्या आपके पास फैन सिक्स वन के साथ आपकी कॉल की वॉइस रिकॉर्डिंग है काव्या ने पूछा नहीं मैं उस समय बहुत पागल था और ऐसा करना भूल गया था तांग श्याओक्स्याओं ने कहा लॉर्ड सेन का पूरा नाम क्या है काव्या ने फिर पूछा सेन यानहेंग तंग श्याओक्स्याओं ने उत्तर दिया बहुत बढ़िया काव्या ने कहा फिर के को फ़ोन किया क्या हो रहा है बॉस के ने पूछा और प्रसन्न हुआ काव्या जानती थी कि यह म्यू परिवार के कारण होगा म्यू परिवार का व्यवसाय अब अस्तव्यस्त हो गया था और म्यू जुक्सिन पूरे दिन सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने में व्यस्त था उनकी पत्नी ने म्यू वेंकी को जमानत दिलाने में असफल रहने के लिए भी उन्हें दोषी ठहराया और वे अक्सर बहस करते थे म्यू परिवार को परेशानी में देख करके बहुत प्रसन्न हुआ सिटी बी में सेन परिवार के लॉर्ड सेन सेन यानहेंग और बीसूची अभिनेत्री फैन सिक्स की जांच करने में, में मेरी मदद करें मुझे उनके अफेयर के सारे सबूत चाहिए काव्या ने कहा यह सुनकर तांग श्याओग और उसके एजेंट दोनों खुश हो गए कोई बात नहीं के ने कहा ओह बॉस मुझे आपको दो बातें बतानी है सबसे पहले जिस मोबाइल गेम पर मैं काम कर रहा हूं, वह पहले ही तैयार हो चुका है और अल्फा टेस्ट पास करने के बाद हम इसे रिलीज करने के लिए तैयार है क्या आप कृपया अगली बार राजधानी आने पर एक गेम कंपनी पंजीकृत करा सकते हैं दूसरा मैंने कुछ समय पहले ब्रेव ईगल नाम के एक पेशेवर हत्यारे को वांछित सूची में देखा था मैंने उनसे संपर्क किया और आपके बारे में उनसे बात की शुरुआत में तो उसे विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब मैंने उसका नाम सूची से हटा दिया तो वह जल्द ही हमसे मिलने के लिए तैयार हो गया हम आज रात मिलने वाले हैं बहुत बढ़िया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप सुरक्षित रहेंगे बातियान्यान के साथ उनसे मिले काव्या ने कहा हालांकि के कमजोर नहीं था फिर भी उसकी तुलना किसी पेशेवर हत्यारे से नहीं की जा सकती थी बातियान्यान पहले से ही उनकी टीम के सदस्य थे और उन्होंने उस पर भरोसा किया मैं करूंगा के ने कहा असल में उनका भी यही विचार था भले ही ब्रेव ईगल उनसे मिलने के लिए सहमत हो गया था फिर भी सावधान था इसलिए उसने ब्रेव ईगल को धमकी दी थी और कहा था कि अगर वह नहीं आया तो वह उसका नाम सूची में वापस डाल देगा हालांकि यह भी संभव था कि जब वे मिलेंगे तो ब्रेव ईगल उसे मार डालेगा क्योंकि उसने पहले ही अपना नाम सूची से हटा दिया था आखिरकार ब्रेव ईगल एक पेशेवर हत्यारा था इसलिए उसके लिए किसी व्यक्ति को मारना बहुत आसान था के के साथ कॉल रखने के बाद काव्या ने टैंकशियाओक्सियाओं से कहा चिंता मत करो मैं इसे संभाल लूंगी आप इस होटल में रुक सकते हैं और आराम कर सकते हैं घोटाले पर प्रतिक्रिया न दें। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो धन्यवाद जियाओक्सियाओ और उसके एजेंट ने कहा जब से उन्हें काव्या की पहचान का पता चला काव्या को उन पर पूरा भरोसा हो गया मिस काव्या आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ताम जियाओक्सियाओ को वास्तव में आभारी महसूस हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए अब उसे राहत मिली काव्या ने कहा ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम मेरी नजरों में मूल्यवान हो यदि आप मेरी कंपनी के लिए काम करने जा रहे हैं तो मुझे आशा है कि आप हमेशा की तरह अच्छा काम कर सकेंगे मैं करूंगा कान जियाओक्सियाओ ने तुरंत कहा वैसे बेहतर होगा कि आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसके साथ अनुबंध जल्द से जल्द खम कर दें यदि उनके पास पहले से ही आपको नौकरी से निकालने का विचार है तो आपको तयशुदा हरजाना देने की जरूरत नहीं है काव्या ने कहा जरूर मैं उन्हें बाद में कॉल करूंगा टैंग टैंकियाओं के एजेंट ने कहा बाद में काव्या ने अपना नाम कार्ड निकाला और टैंक जिया के एजेंट को दे दिया यह मेरा नाम कार्ड है अगर कुछ भी हो तो बेझिझक मुझे कॉल करें धन्यवाद इसके बाद टैंक जियाक्सियाओं के एजेंट ने काव्या के साथ उसका नाम कार्ड बदल दिया टैंक जियाक्सियाओं के एजेंट का नाम लिन लू था काव्या के जाने से पहले उसने पट्टियों का एक रोल निकाला उसकी चोटों को लपेटो और पानी से दूर रहो तांग जियाओक्सियाओ गंभीर रूप से जल गई थी इसलिए उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा जरूर लिंग लू ने कहा क्या मुझे अस्पताल जाने की जरूरत है तांग जियाओक्सियाओ ने पूछा अब उसे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा था लेकिन उसके शरीर पर जलन अभी भी थी तुम्हें अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है मेरी दवा आपके ठीक होने के लिए काफी है काव्या ने कहा धन्यवाद तांग जियाओक्सियाओ ने काव्या पर भरोसा करते हुए कहा उसके बाद काव्या चली गई और लिंग लू ने तांग जियाओक्सियाओ की चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया जब उसने दोबारा जले हुए कपड़े देखे तो वह हैरान रह गई कुछ ही मिनटों के बाद जलन काफी हद तक कम हो गई थी बहुत खूब तांग ज्यास्याओं भी बहुत आश्चर्यचकित थी और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था ओ जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो मेरी हथेली भी जल गई थी लेकिन चोट पर मिस काव्या की दवा लगाने के बाद वह भी जल्दी ठीक हो गई लिन लू ने कहा और अपनी हथेली फैला दी हे यीशु निशान और भी मिट गया यह बहुत अविश्वसनीय है मुझे लगता है कि यह दवा इस निशान को पूरी तरह से मिटा सकती है लिन लू को हल्की चोट लगी थी इसलिए वह कुछ ही समय में ठीक हो गई ठीक है अगर ऐसा है तो मेरे शरीर पर लगी जलन को भी दूर किया जा सकता है तांग ज्याओक्यों उत्साहित हो गया सौभाग्य से उसका चेहरा सुरक्षित था अन्यथा वह निराशा में होती चूंकि मिस काव्या ने कहा कि हमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है मेरा मानना है कि दवा आपको पूरी तरह से ठीक होने में मदद कर सकती है लिन लू ने कहा उसके बाद लिन लू ने उस कंपनी को फोन किया जिसके लिए टैंग जियाओक्सियाओ काम कर रहा था और उसने अपना अनुबंध समाप्त कर दिया जिस कंपनी के लिए टैंग जियाओक्सियाओ काम कर रहा था वह सिटी बी में स्थित नहीं थी लेकिन उन्होंने जल्द ही इससे निपटने के लिए किसी को भेजा क्योंकि दुर्घटना के बाद वे टैंग जियाओक्सियाओ को नौकरी से निकालने के लिए एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकते थे काव्या निजी कमरे में चली गई जहां वह और उसकी सहेलियां एक साथ भोजन करने जा रही थी क्याओ हां और वह महिला जिसने तांग जियाओक्सियाओ पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला था पहले से ही अंदर थे लेडीनिंग उसे एक मानसिक समस्या है क्या ने कहा कि दूसरी काव्या ने कमरे में प्रवेश किया काव्या के आने से पहले क्याओं ने उस महिला से पूछताछ की थी और उसने पाया कि महिला मानसिक रूप से ठीक नहीं थी उसे कोई मानसिक समस्या है काव्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली कानून के मुताबिक एक पागल औरत अपने किए की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ले सकती चूंकि वह तांग शियाओं पर हस्ताक्षर करने जा रही थी उसे लगा कि सल्फ्यूरिक एसिड से हुए नुकसान का बदला लेना होगा मुझे पता चला क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसकी एक रखेल थी इसलिए वह मालकिन शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती इससे पहले कि क्या या अपनी बात खम कर पाती महिला वास्तव में फिर से पागल हो गई बिच्चा तुम वह कुतिया हो जिसने मेरे पति को मुझसे चुरा लिया मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं तुम्हें मार दूंगा यह सुनकर लेंग शाउटिंग क्रोधित हो गया और उसने महिला की ओर घूर कर देखा हालांकि महिला को मानसिक समस्या थी फिर भी उसे लेंग शाउटिंग की नजर से तनाव महसूस हुआ और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया लेंग शाउटिंग किसी को भी काव्या के बारे में अपशब्द कहने की इजाजत नहीं देगी हालांकि वह जानता था कि इस महिला को मानसिक समस्या है फिर भी उसे काव्या की कसम नहीं खानी चाहिए जो निर्दोष थी ठीक है मैं उसे वापस सामान्य स्थिति में ला सकती हूँ काव्या ने व्यंग्य किया फिर महिला के मुंह में एक पावर क्रिस्टल एक भी गोली मदद नहीं करेगी इसलिए काव्या ने अपनी जादुई शक्ति उसके शरीर में डालने के लिए उसके कंधे पकड़ लिए यह महिला बहुत दयनीय थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने किए से बच सकती थी एक बार जादुई शक्ति महिला के शरीर में प्रवेश कर गई इससे उसकी मानसिक बीमारी ठीक हो गई जो गंभीर नहीं थी और वह कुछ मिनटों के बाद सामान्य हो गई किसी को पता नहीं चलेगा कि वह अभी से मानसिक परेशानी से जूझ रही थी आप क्या कर रहे हैं अपना कारण वापस पाने के बाद महिला ने डर के मारे काव्या की ओर देखा उसे अभी भी याद है कि उसने क्या किया था इसलिए जब उसने देखा कि काव्या ने उसे पकड़ लिया है तो वह घबरा गई मुझे बताओ तुम्हें तानजियाओं पर सल्फ्यूरिक एसिड डालने के लिए किसने कहा था काव्या ने उसे घूर कर देखा इस दुर्घटना में लॉर्ड सेन या फैन सिक्सवान को शामिल होना पड़ा अगर महिला को कुछ पता होता तो काव्या उसे सबूत के तौर पर दर्ज कर लेती मुझे पता नहीं है मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं महिला सिर हिलाती रही वह सच कह रही थी क्योंकि एक आदमी ने उसे धोखा देकर तांग तांगजियाओं पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था उस आदमी ने उससे झूठ बोला और कहा कि उसे वह मालकिन मिल गई है जिसने उसके पति को चुराया है इसलिए वह नाराज़ हो गई और तांग शियाओक्सियाओं को चोट पहुंचाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल ले गई हालांकि वह वास्तव में नहीं जानती थी कि वह कौन था उसने तुम्हें कैसे पाया काव्या ने पूछा मैं आज सुबह लगभग ग्यारह बजे मनोरोग अस्पताल में थी और एक आदमी अचानक मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि उसे वह मालकिन मिल गई है जिसने मेरे पति को मुझसे चुरा लिया है मैं नाराज थी फिर उसने मुझे धोखे से लड़की पर सल्फ्यूरिक एसिड डालने को कहा महिला ने कहा ओ उसकी कार की लाइसेंस प्लेट एक सिक्स सिक्सिक्स है उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ काव्या ने कियाओ हां से कहा जरूर कियाओ हां ने कहा और महिला को पकड़ लिया कृपया कृपया मुझे जाने दीजिए मुझे नहीं पता था कि मैं तब क्या कर रहा था महिला ने रोते हुए काव्या से विनती की हालांकि काव्या ने उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और कियाओ या को उसे बाहर ले जाने दिया बाद में काव्या ने के को फिर से फोन किया और उसे मनोरोग अस्पताल के निगरानी कैमरों को हैक करने और लाइसेंस प्लेट एक वाली कार की जांच करने के लिए कहा जब तक बर्तन मेज पर रखे गए कियाओ या भी वापस आ गई थी पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था इसलिए कियाओ या को अपना काम करने में ज्यादा समय नहीं लगा हालांकि काव्या को उस महिला के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी फिर भी उस महिला को कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी क्योंकि तांग तांगशियाउक्सियाओं अब उसकी दवा की मदद से पहले से ही ठीक थी उसी समय टांगशियाउक्सियाओं के बारे में गपशप फिर से वायरल हो गई तांग तांगजियाओक्सियाओं और लॉर्ड सेन के बीच संबंध के घोटाले ने पहले ही बहुत ध्यान आकर्षित किया था इसलिए कई लोगों का मानना था कि यह सच था फिर भी उनके साथ भोजन करते हुए केवल तस्वीरें थी लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि वे एक ही होटल में रुके थे जहां तक इस अफवाह का सवाल है कि तांग जियाओक्सियाओ ने फैन सिक्सवान की भूमिका चुरा ली है टीवी शो का आधिकारिक विबो अकाउंट चुप रहा फैन सिक्सवान के सभी प्रशंसक बहस कर रहे थे और तांग शियाओक्सियाओ की आलोचना कर रहे थे जबकि तांग शियाओक्सियाओ के प्रशंसकों और कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने इस पर विश्वास नहीं किया इसके अलावा फ़ैन सिक्सवान कई मायनों में तांग शियाओक्सियाओ से कमतर था इसलिए कई लोगों ने सोचा कि भूमिका निभाने में तांग शियाओक्सियाओ फ़ैन सिक्सवान से अधिक सक्षम थे कुछ निश्चित संख्या में ऐसे लोग भी थे जिनके मन में इसके बारे में संदेह था जहां तक शो के आधिकारिक वीबो अकाउंट की बात है तो इसने अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई घोषणा जारी नहीं की जब तक अधिक से अधिक लोग समाचार पर ध्यान देंगे शो के लोकप्रिय होने की अधिक संभावना थी अब टैन श्याओं की प्रसिद्धि को देखते हुए यह खबर कुछ ही समय में सोशल मीडिया गर्म विषयों में से एक बन गई इस बारे में ताज़ा खबर निर्देशक की सफाई थी निर्देशक ने कहा कि फैन सिक्सवान को चुनने के बाद लॉर्ड सेन ने तांग शियाओक्सियाओ की सिफारिश की इसलिए उन्हें अपना निर्णय बदलना पड़ा हालांकि निर्देशक ने यह नहीं बताया कि क्या टैंग जियाक्सियाओं लॉर्ड सेन के परिवार की दूसरी महिला थी लेकिन उनके स्पष्टीकरण से साबित हुआ कि लॉर्ड सेन का कुछ हद तक तांग शियाओक्सियाओ के साथ एक विशेष संबंध था अब कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा सेन यानहिंग की भी आलोचना की जा रही थी लेकिन हर कोई जानता था कि अमीर पुरुषों की हमेशा एक या दो रखेलें होती हैं अगर पुरुषों ने अपने पार्टनर को धोखा दिया हो तो भी उन्हें आसानी से माफ किया जा सकता है जबकि महिलाओं की स्थिति इसके विपरीत थी सेन यानहेन की पत्नी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती थी और वे बाहर से एकजुट लेकिन दिल से विभाजित दिखाई देते थे वे एक साथ भी नहीं रहते थे इसलिए उनकी पत्नी पर इस कांड का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्या तांग टांगश्याओं एक कुतिया है वह सिक्सवान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है मुझे अब सिक्सुन के प्रति गहरी सहानुभूति है मजबूत बनो सिक्सवान हम आपका समर्थन करते हैं अब मुझे पता चला कि टैंग टैंक श्याक्सियाओं इतनी जल्दी लोकप्रिय क्यों हो गया वह एक शुद्ध युवा लड़की की तरह दिखती है लेकिन वह एक फूहड़ निकली मैं अब उसका प्रशंसक नहीं हूं इसके बाद टैंग टैंक श्याक्सियाओं ने विबो पर कई फॉलोअर्स खो दिए हास्यास्पद जियाक्सियाओं फैन सिक्सवान से अधिक प्रसिद्ध और सुंदर है यह स्पष्ट है कि वह पैलेस में प्रमुख भूमिका के लिए बेहतर विकल्प है मुझे लगता है कि निर्देशक का फैन सिक्सवान के साथ यौन संबंध है इसलिए वह उसका बचाव कर रहे हैं मैं सहमत हूं लॉर्ड सेन ने सिर्फ तान शियाओं की सिफारिश की जो यह साबित नहीं करता कि उनके बीच कोई विशेष संबंध है आखिरकार वह एक व्यवसायी है और तान श्याओक्सियाओं उसके लिए अधिक पैसा कमा सकता है जियाओक्सियाओ अब एक एलिस्ट अभिनेत्री है उसे फैन सिक्स के खिलाफ उस तरह से प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं उनमें से किसी का भी प्रशंसक नहीं हूं लेकिन मुझे यह भी लगता है कि फैन सिक्सवान की तुलना में तांग शियाओक्सियाओं इस भूमिका के लिए अधिक सुंदर और उपयुक्त है फैन सिक्सवान इंटरनेट पर घोटाले के बारे में खबरों पर ध्यान केंद्रित करती रही और जब उसने उपरोक्त टिप्पणियां पढ़ी तो उसे गुस्सा आ गया उसे इससे नफरत थी जब दूसरों ने कहा कि वह तांग जियाओक्सियाओं से कमतर थी तांग जियाओक्सियाओं से आगे निकलने के लिए उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग थे जो मानते थे कि तांग श्याओक्सियाओं उससे बेहतर थी आखिरकार तांग श्याओक्सियाओं की अच्छी प्रतिष्ठा थी और उनके लिए सिर्फ एक गंदी चाल से उसका करियर बर्बाद करना कठिन था फैन सिक्सवान को लॉर्ड सेन का समर्थन प्राप्त था इसलिए वह किसी दिन तांग शियाओक्सियाओ की जगह ले सकती थी लेकिन अभी नहीं फैन सिक्सवान ने एक वीबो अकाउंट का इस्तेमाल किया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था कि यह उसका है और एक टिप्पणी छोड़ी तांग ज्याओक्सियाओं का बचाव करना बंद करो यदि लॉर्ड सेन और तांग शियाओक्सियाओ के बीच कोई विशेष संबंध नहीं है तो लॉर्ड सेन चुप क्यों है ठीक है कुछ तो जरूर है जो वे छिपाना चाहते हैं फैन सिक्सवान के प्रशंसकों ने बिना किसी संदेह के उनका समर्थन किया जबकि तांग शियाओक्सियाओं के प्रशंसकों ने उसी समय तांग शियाओं का बचाव किया तांग शियाओक्सियाओं के अधिकांश प्रशंसक अभी भी उसका बचाव करने को तैयार थे और उसके प्रशंसकों की केवल एक छोटी संख्या ही उससे निराश थी कई इंटरनेट उपयोगकर्ता भी दर्शक थे जो गपशप होने पर इंटरनेट पर एकत्र हो गए मेरे मन में अभी एक विचार आया क्या यह संभव है कि फैन सिक्सवान ही वह व्यक्ति है जिसका लॉर्ड सेन के साथ संबंध है यह तांग जियाओक्सियाओं के ख़िलाफ़ उसकी योजना हो सकती है मैंने सुना है कि वे विश्वविद्यालय में सहपाठी थे और वे बहुत करीब हुआ करते थे लेकिन फैन सिक्सुन को तांग जियाओक्सियाओ से ईर्ष्या होने लगी जब तांग जियाओक्सियाओ को कई प्रस्ताव मिले और उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया उस टिप्पणी को पढ़कर फ़ैन सिक्सवान घबरा गया उसने सोचा कि यह टांग जियाओक्सियाओ का गुप्त वीबो अकाउंट हो सकता है फैन सिक्सवान के पास इंटरनेट पर तांग शियाओक्सियाओ पर हमला करने के लिए एक गुप्त वीबो खाता था इसलिए तांग शियाओक्सियाओ भी वही काम कर सकता था हालांकि फैन सिक्सवान इससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी क्योंकि उसे अब लॉर्ड सेन का समर्थन प्राप्त था उनका मानना था कि लॉर्ड सेन के प्रभाव के कारण तांग जियाक्सियाओं को जल्द ही उस कंपनी द्वारा छोड़ दिया जाएगा जिसके लिए उन्होंने काम किया था तांग जियाओक्सियाओं के कनेक्शन शायद ही लॉर्ड सेन के तुलनीय थे इसलिए फैन सिक्सवान ने तांग जियाक्सियाओं को फोन करने की हिम्मत की और सीधे उसे बताया कि यह उसका विचार था फैन सिक्सवान को कुछ और ही काम करना था इसलिए उसने अपना फोन रख दिया वाह यह एक साहसिक विचार है लेकिन मुझे लगता है कि यह संभव है कई लोग इस विचार पर सहमत थे कि फैन सिक्सवान ही वह व्यक्ति था जिसका लॉर्ड सेन के साथ संबंध था और यह तांग शियाओक्सियाओ के खिलाफ एक योजना थी फिर भी बिना ठोस सबूत के कोई नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है घोटाले को सफेद करने की कोशिश करना बंद करो यह किसी काम का नहीं अरे क्या किसी ने वह खबर देखी जहां व्ंगडेंग होटल के बाहर एक महिला ने तांग जियाओक्सियाओ पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला था और देवीगु ने उसे बचाया था उस कमेंट को देखकर लोग उत्साहित हो गए वास्तव में कृपया मुझे लिंक भेजें मेरी तरफ से भी धन्यवाद समाचार पढ़ने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी खबर के साथ एक वीडियो जुड़ा हुआ था जिसमें तांग जियाओक्सियाओ एक महिला द्वारा अपने ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाले जाने के बाद दर्द से चिल्ला रही थी वहां का नजारा देखकर हर कोई डर गया अगले ही पल काव्या सामने आई और तांग जियाओक्सियाओ को बचा लिया जब काव्या ने शियाओक्सियाओ को अपनी बाहों में उठाया तो कई लड़कियां उसके बहादुर कार्यों से आकर्षित हो गई वाह देवी गो कितनी अच्छी है उसने आसानी से तांग शियाओक्सियाओं को अपनी बाहों में ले लिया हे hey यीशु यह बहुत डरावना है मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके चेहरे पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया था ठीक है मुझे अब तांग जियाओक्सियाओं से सहानुभूति है मैं भी मुझे लगता है कि देवी गो निष्पक्षता की प्रबल भावना रखने वाली एक महान लड़की है यह असंभव है कि वह एक मालकिन को बचा लेगी यह तथ्य कि टैंग शियाओक्सियाओं लॉर्ड सेन के परिवार की दूसरी महिला है झूठी खबर हो सकती है मुझे शक है कि मुझे नहीं लगता कि काव्या उतनी प्रशंसनीय है जितना आप सोचते हैं जैसे ही काव्या पर यह नकारात्मक टिप्पणी भेजी गई काव्या के प्रशंसकों ने तुरंत इंटरनेट उपयोगकर्ता पर हमला कर दिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देवी गो के बारे में ऐसा कहने की मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारे बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने जा रहा हूँ मैं तुम्हें एक चाकू भेजूंगा काव्या के प्रभाव को देखकर इंटरनेट उपयोगकर्ता ने उसके बारे में दोबारा कोई टिप्पणी भेजने की हिम्मत नहीं की निष्पक्ष होने के लिए मैं स्वीकार करता हूँ कि काव्या निष्पक्षता की प्रबल भावना वाली एक उत्कृष्ट लड़की है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तांग जियाओक्सियाओ भी एक अच्छी लड़की है सिर्फ इसलिए कि काव्या ने उसे बचाया दोनों चीज़ें बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है मैं सहमत हूँ आखिरकार यह एक आपातकाल था मुझे लगता है कि देवी गो की मदद के बाद तांग जियाओक्सियाओ देवी गो के लिए काम करेगी जैसा कि सुटोमो और जिया यचू के साथ हुआ था ओ, ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि तांग शियाओक्सियाओ को पहले इस गड़बड़ी में निर्दोष होना होगा ठीक है मेरी इच्छा है कि मैं देवी गु से मिल सकूं और वह मुझे मेरे गरीब जीवन से बाहर निकालने में मदद कर सके हाँ हाँ तुम्हारे सपनों में काव्या के प्रभाव के कारण अब कम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने तांग शियाओक्सियाओ पर हमला किया लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग थे जो उसकी आलोचना करते रहे शुरुआत में टाइम्स जियाओक्सियाओ और लिंग लू इंटरनेट पर उन आक्रामक टिप्पणियों से नाराज थे लेकिन उन्होंने काव्या पर भरोसा किया और माना कि वह इसे अच्छी तरह से संभाल सकती है केको सेन यानहेंग और फैन सिक्सवान के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिली इसके बाद उन्होंने यह देखने के लिए उनके कॉल रिकॉर्ड की जांच की कि क्या वे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं सेन यानहेंग और फैन सिक्सवान ने अपने संबंध पर गोपनीयता नहीं रखी इसलिए उन्होंने अपने वास्तविक फोन नंबरों से एक दूसरे से संपर्क किया इसलिए के के लिए सबूत ढूंढना मुश्किल नहीं था इसके बाद उन्होंने उन स्थानों के आसपास निगरानी कैमरे की जांच की जहां वे रुके थे और मिले थे वह स्थान जहां वे अक्सर मिलते थे एक उपनगर में सेन यानहेंग के विला में से एक था जैसा कि विला के बाहर निगरानी कैमरे से पता चला फैन सिक्स की कार अक्सर रात में आती थी और सेन यानहेंग हर बार विला में आती थी संयोग से बाहर एक निगरानी कैमरा दूसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम और इशारा कर रहा था ऐसा होने पर के को आसानी से उनका सेक्स टेप गया हालांकि निगरानी कैमरा थोड़ा दूर था और वीडियो में उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे लेकिन वे पहले ही विला के दरवाज़े पर निगरानी कैमरे द्वारा पकड़ लिए गए थे एक बार सेक्स सेक्सटेप उनके चेहरे उजागर होने के बाद उनके लिए इससे इनकार करना मुश्किल था जो लोग बेवकूफ़ नहीं हैं वे जानते होंगे कि सेन यानहेंग के परिवार की असली दूसरी महिला कौन थी काव्या का उद्देश्य तांग जियाओक्सियाओ का नाम साफ़ करना था और सेन यानहेंग के साथ फ़ैन सिक्सवान को उनके किए का भुगतान करने देना था उसका तांग परिवार के लाभों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था इसलिए सबूत पर्याप्त थे के को यह भी पता चला कि जिस आदमी ने उस पागल महिला को धोखा देकर तांग जियाक्सियाओं पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला था वह फैन सिक्सवान का दोस्त था और उसने पहले फैन सिक्सवान के लिए कई गंदी हरकतें की थी फैन सिक्सवान ने भूमिकाओं के लिए कई अन्य अभिनेत्रियों के खिलाफ योजना बनाई थी हालांकि फैन सिक्सवान ने पहले जो किया था उसका अभी जो हो रहा था उससे कोई लेना देना नहीं था इसलिए काव्या ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया काव्या और अन्य लोग टैंग परिवार के घर के लिए रवाना हो गए केवल तान हाइफेंग ज्यांगहुआ और गुमान ही घर में थे जबकि बाकी सभी काम करने के लिए बाहर गए थे एक बार जब काव्या और लेंग शाउटिंग आए तो उन्होंने देखा और काव्या के सामने लेंग शाउटिंग का फिर से स्वागत किया ईमानदारी से कहूं तो उनका इरादा काव्या को नजरअंदाज करने का नहीं था लेकिन आखिरकार लेंग शाउटिंग मेहमान थे काव्या कल जब मैं तुम्हारी चाची के साथ खरीदारी कर रहा था तो मैंने फेंगशांग शॉपिंग मॉल में कमे ब्यूटी सैलून नामक एक ब्यूटी सैलून देखा वे कौजी का भी उपयोग कर रहे हैं क्या यह आपसे जुड़ा है गुमान ने पूछा काव्या आश्चर्यचकित थी कि गुमन को पहले ही पता चल गया था क्योंकि उसने निकट भविष्य में गुमन को शादी के तोहफे के रूप में देने की योजना बनाई थी फिर भी कामे ब्यूटी सैलून इतना लोकप्रिय था कि इसे अब गुप्त रखा नहीं जा सकता था और कौजी तो और भी अधिक प्रसिद्ध था ठीक है इसका स्वामित्व मेरे पास है लेकिन मैं इसे आपको शादी के उपहार के रूप में देने की योजना बना रहा हूँ मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें यह पहले ही मिल गया काव्या ने कहा वे जानते थे कि काव्या ने कौजी की स्थापना की थी और गुमन के पास कामे ब्यूटी सैलून नामक एक ब्यूटी सैलून था इसलिए जब उन्होंने फेंगशांग शॉपिंग मॉल में एक और कामे ब्यूटी सैलून देखा तो वे उत्सुक हो गए काव्या के सकारात्मक उत्तर से वे बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुए हालांकि काव्या की योजना सुनने के बाद वे सभी प्रभावित हुए और गुमन लगभग रो पड़ा वे जानते थे कि काव्या को उम्मीद थी कि गुमन का अपना करियर होगा और वह खुद पर निर्भर रहने की क्षमता हासिल कर सकेगी हालांकि टैम परिवार तब भी कुछ नहीं कहेगा भले ही गुमन का कोई करियर न हो और उसके पास एक अति अमीर कुलीन महिला के रूप में बहुत सारा खाली समय हो लेकिन उन्हें यह भी चिंता थी कि गुमन जल्द ही उब जाएगा काव्या तुम्हारे स्थापित होने के बाद इतने कम समय में ही कौजी इतना लोकप्रिय हो गया है यह बहुत अद्भुत है जियांग लिहुआ को काव्या पर गर्व था उसने अपने दोस्तों को भी इस ब्रांड की अनुशंसा की और उसके सभी दोस्त अब इसके प्रशंसक थे जियांग लिह ने उन्हें यह नहीं बताया कि काव्या कौजी की संस्थापक थी क्योंकि काव्या का अब इसे सार्वजनिक करने का कोई इरादा नहीं था काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है मुझे उम्मीद है कि कौजी अधिक से अधिक लोकप्रिय और लाभदायक बन सकती है वे बैठक कक्ष में आरामदायक माहौल में बातचीत करने और चाय का आनंद लेने के लिए एकत्र हुए शाम करीब चार बजे काव्या के पास लिन लू का फोन आया लिन लू ने उसे बताया कि तांग जियाओक्सियाओ ने पहले ही उस कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है जिसके लिए वह काम करती थी थोड़ी देर बाद के ने अपनी जांच के नतीजे की सूचना काव्या को दी काव्या ने के को अपनी योजना बताई और के ने उसके लिए यह किया इंटरनेट पर तांग शियाओं के बारे में खबरें अभी भी सबसे गर्म विषयों में से एक थी और फैन सिक्सवान के प्रशंसक हमेशा की तरह उसकी आलोचना कर रहे थे कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने आधिकारिक स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करना चुना शाम लगभग पांच बजे एक प्रसिद्ध मनोरंजन प्रभावशाली व्यक्ति ने तांग जियाउक्सियाओं का नाम साफ करने के लिए कई तस्वीरों के साथ एक लंबा लेख पोस्ट किया इसमें मुख्य रूप से तांग शियाओक्सियाओ और फैन सिक्सवान के बीच की नाराजगी को इस तथ्य के साथ समझाया गया कि फैन सिक्सवान सेन यानहेंग की असली मालकिन थी वे सभी तस्वीरें निगरानी वीडियो के स्क्रीनशॉट थे और उनमें से प्रत्येक पर स्पष्ट तारीखें थी तीन तस्वीरें फैन सिक्सवान और सेन यानहेंग की एक साथ घर में घूमते हुए थी तारीखें लगभग एक साल आधा साल और कई दिन पहले की थी चौथी पांचवीं और छठी तस्वीरें तब ली गई जब फैन सिक्सवान ने सेन यानहेंग के साथ यौन संबंध बनाए भले ही उनके चेहरे अस्पष्ट थे महिला और पुरुष फैन सिक्सवान और सेन यानहेंग के समान दिख रहे थे सातवीं और आठवीं तस्वीरों में फैन सिक्सुआन को उस आदमी से बात करते हुए दिखाया गया है जिसने उस पागल महिला को तांग शियाओक्सियाओं पर सल्फ्यूरिक एसिड डालने के लिए धोखा दिया था नौवीं तस्वीर में आदमी को पागल औरत के साथ दिखाया गया है सच्चाई अब और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती एक बार पोस्ट आउट होने के बाद इसने वीबो पर बड़ी सनसनी फैला दी ओएमजी यह तांग शियाओक्सियाओं के खिलाफ एक योजना थी फैन सिक्सवान सेन यानहेंग की मालकिन है मैं हैरान हूं वह एक कुतिया है उसने जियाक्स्याओं को इस तरह खड़ा करने की हिम्मत कैसे की उसने अब अपनी प्रतिष्ठा और करियर बर्बाद कर लिया है वो इसकी हकदार है मुझे लगता है कि हमें तांग श्याओक्स्याओं से माफी मांगनी चाहिए कई लोग जिन्होंने कुछ समय पहले तांग श्याओक्स्याओं की आलोचना की थी अब उनसे माफी मांगने लगे हैं कोई आश्चर्य नहीं कि फैन सिक्सवान ने इस वर्ष के दौरान इतनी प्रसिद्धि हासिल की है उसे सेन यानहेंग का समर्थन प्राप्त है वह उतनी सुंदर नहीं है या अभिनय में अच्छी नहीं है वे बहुत घृणित हैं मैं अब उनका प्रशंसक नहीं हूं एक मिनट रुके क्या वे तस्वीरें असली हैं मुझे विश्वास नहीं है कि सिक्सवान ऐसा करेगा फैन सिक्सवान के प्रशंसकों ने अभी भी अपनी मूर्ति का बचाव किया गंभीरता से आप अंधे हैं वे तस्वीरें निगरानी वीडियो से ली गई हैं। फैन सिक्सवान के प्रशंसक बहुत मूर्ख हैं और यहां तक कि सच्चाई का सामना करने से भी इनकार करते हैं फैन सिक्सवान के प्रशंसकों की अब आलोचना की जा रही थी यह अचानक उलटफेर इतनी तेजी से हुआ मैं सहमत हूं यह घोटाला आज सुबह ही वायरल हो गया और सच्चाई आज दोपहर को सामने आ गई गड़बड़ी में मौजूद तीन लोगों में से कोई भी क्यों नहीं दिखा तांगजियाओं सेओं घायल हो गई है और हम उसकी वर्तमान स्थिति को नहीं जानते हैं जबकि फैन सिक्सवान और सेन यानहेंग शायद दिखाने में बहुत शर्म महसूस करते हैं मैं अब तांग तांगश्याओंक्सयाओं के बारे में चिंतित हूं मुझे भी उससे सहानुभूति है मुझे उम्मीद है कि तांग शियाक्सियाओं को एक शक्तिशाली समर्थन मिल सकता है वह बहुत मेहनत कर रही है कई टिप्पणियों में तांग तांगशियाउक्सियाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई जिस तरह से सच्चाई सामने आई उससे मुझे किसी तरह परिचित क्यों महसूस हो रहा है हमें अधिक विवरण बताएं मैं भी उत्सुक हूं सुटोमनो और जिया यिचू के साथ भी पहले ऐसा ही हो चुका है इससे पहले कि देवी गु ने ठोस सबूत उजागर करके उनकी मदद की वे दोनों फंस गए थे क्या आपका मतलब है कि इस बार देवी गु भी शामिल है मैंने ऐसा सोचा है लेकिन मुझे यकीन नहीं है ठीक है मुझे याद है कि देवी गो ने आज सुबह तांग तामशियाउकस्याओं को बचाया था मुझे यकीन है कि यह देवी गु ही है जिन्होंने इस बार तांग तामशियाउकस्याओं की मदद की वाह अगर यह असली है तो देवी गो कितनी अद्भुत है उसने इतने कम समय में सबूत कैसे ढूंढ लिया क्या वह ताम श्याओक्स्याओं पर हस्ताक्षर करने जा रही है मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है देवी गु के समर्थन से कोई भी तांग तांगशियाओं को फिर से स्थापित करने की हिम्मत नहीं करेगा देवी गु एक ही समय में बहुत अविश्वसनीय और डरावनी है यदि वह नाराज है तो कोई भी इसका परिणाम सहन नहीं कर सकता बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए हां वे इसके लायक है टांगजियाओक्सियाओं और लिंग लू ने हर समय इंटरनेट पर खबरों पर ध्यान दिया लेकिन उन्होंने काव्या की बात सुनी और उन टिप्पणियों का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया चाहे वे कितनी भी कठोर क्यों न हो फिर भी उलटफेर देखकर वे भी हैरान रह गए उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि काव्या कुछ ही घंटों में ठोस सबूत इकट्ठा करने में सफल रही जियाउक्सियाओं इस बार हम बहुत भाग्यशाली हैं लिन लू ने कहा काव्या मेरी जीवन रक्षक है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि पिछले कुछ घंटों के दौरान क्या हुआ है तांग श्याओक्स्याओं ने उत्साह के साथ कहा चाहे कुछ भी हो हम उसके समर्थन से और अधिक सफल होंगे लिन लू ने कहा तांग जियाओक्सियाओ जिस कंपनी में काम करती थी वह भी उसके बारे में ताज़ा खबर देखकर हैरान रह गई काव्या अब टाइंग जियाओक्सियाओ की नई बॉस बन गई दरअसल कंपनी तांग जियाओक्सियाओ के साथ अनुबंध खत्म करने को लेकर अनिच्छुक थी लेकिन लॉर्ड सेन के दबाव के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा आखिरकार टाइम जियाओक्सियाओ ने उन्हें इतना पैसा कमाने में मदद की थी और उसे छोड़ना कोई आसान निर्णय नहीं था ऐसा लग रहा था कि फेंघुआ एंटरटेनमेंट तांग जियाओक्सियाओ पर हस्ताक्षर करने जा रहा था और फेंघुआ अब उद्योग में एक प्रसिद्ध मनोरंजन कंपनी थी फेंघुआ की मदद से तांग जियाओक्सियाओ को अधिक मौके मिल सकते हैं घोटाले के बाद तांग तांगश्याओक्स्याओ का भविष्य और भी उज्जवल था जब ये तस्वीरें सामने आई तो फैन सिक्सवान काम पर थी इसलिए उन्हें इस खबर के उलट होने की जानकारी नहीं थी हालांकि उसके सहायक ने इसे देखा लेकिन उसके सहायक ने उसे बीच में रोकने की हिम्मत नहीं की इसलिए वह अपना काम खत्म करने के बाद ही उसे बता सका फैन सिक्सवान की सहायक के रूप में वह फैन सिक्सवान के कुछ निजी मामलों को जानती थी इसलिए यह उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी कि फैन सिक्सवान से न्यानहेंग की मालकिन थी हालांकि उसने फैन सिक्सवान के साथ एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे इसलिए वह इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकती थी चाहे वह कितना भी जानती हो अगर उसने इसे उजागर करने की हिम्मत की तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी जब फैन सिक्सुन को अंतता समाचार उलटने के बारे में पता चला तो वह चौंक गई और डर से काम उठी ऐसा कैसे हो सकता है उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि इससे उसका करियर और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती सिक्सवान क्या तुम ठीक हो उसके सहायक ने तुरंत उसका समर्थन किया हालांकि फैन सिक्सवान ने सेन यानहेंग को कॉल करने के लिए बिना देर किए अपना फोन निकाला लेकिन उसका फोन बंद था इस समय फैन सिक्सवान को पता नहीं था कि उसे अब क्या करना चाहिए सिक्सवान हम अब आपके अपार्टमेंट में वापस क्यों नहीं जाए मुझे लगता है कि वे मनोरंजन पत्रकार जल्द ही यहां आएंगे उनके सहायक ने कहा आप ठीक कह रहे हैं हमें अब वापस जाना चाहिए फैन सिक्सवान अपने सहायक के साथ बाहर चली गई उनके बाहर जाते समय अन्य स्टाफ सदस्यों ने उन्हें स्पष्ट उपेक्षा की दृष्टि से देखा यह पता चला है कि फैन सिक्स लॉर्ड सेन की मालकिन है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इस साल इतनी प्रसिद्धि हासिल की है उसे लॉर्ड सेन का समर्थन प्राप्त है वह बहुत सुंदर नहीं है या अभिनय में अच्छी नहीं है मशहूर होने के लिए वह और क्या कर सकती है सही है उसने प्रसिद्धि के लिए अपना शरीर बेच दिया यह बहुत घृणित है उसने तांगजियाक्सियाओं को भी खड़ा कर दिया तांगशियाओं मेरे आदर्श है वह बहुत बेशर्म है फैन सिक्सवान ने उनकी चर्चा सुनी लेकिन उनके ख़िलाफ़ बहस करने की हिम्मत नहीं की दुर्भाग्य से कई मनोरंजन पत्रकार पहले से ही इमारत के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे जैसे ही वह आई वह कैमरों से घिर गई मिस फैन क्या यह सच है कि आप लॉर्ड सेन की रखेल हैं हालांकि उनके पास पहले से ही उत्तर था फिर भी उन्हें अपने काम के हिस्से के रूप में वह प्रश्न पूछना था